तो चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ। तो बात करेंगे बी यूनिक और मुंबई के निखिल के बारे में। तो बी यूनिक का जो न्यू वीडियो का शूट चालू हो चुका है और उनका जो आने वाला वीडियो होगा वो एक कोलैब वीडियो होगा मुंबई के निखिल के साथ में। तो मुंबई के निखिल ने जो एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया उसमें उन्होंने बताया कि ये बी यूनिक के साथ में उनका एक कोलैब वीडियो है। तो आप लोग भी देखिए मुंबई के निखिल का रिसेंट वाली वीडियो का छोटा सा क्लिप। ओह व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आई हैव टुडे। सो मैं निक के साथ एक कोलैब वीडियो कर रहा हूं, निक शॉट दे रहा है उधर, जैसे आएगा इंट्रोडक्शन कराते हैं। पहले मेरे को लगा मेरा रोल पांडू का है। लास्ट टाइम हम लोग 2020 के जनवरी में मिले थे, अभी 2021 के जनवरी में मिले, अभी 2022 के जनवरी में मिलेंगे। नहीं, फैन फेस्ट तो होने वाला है। नहीं, उससे बड़ा इवेंट होने वाला है फैन फेस्ट से बड़ा। सब लोगों ने बहुत उम्मीद बना के रखी हुई है, लेकिन इस उम्मीद से भी खड़े उतरेंगे हम और ऊपर जाएंगे। सिर्फ अपने दोस्तों को ही नहीं, यूट्यूबर्स को ही नहीं, आप लोगों को भी बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे और बहुत ही जल्द देंगे, खूबसूरत देंगे। कहाँ से जाने का? और बी यूनिक का जो आने वाले वीडियो का वो काफी तगड़ा होगा, क्योंकि उसमें हम लोग मिडपैट और स्लीप पैंट भी शायद से देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुंबई के निखिल का कंफर्म है, क्योंकि उसी वीडियो को लेकर मुझे कुछ स्टोरीज भी मिले। और आप लोगों को इस बात पे क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वही बात करेंगे गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन की तरफ से जो आने वाला वीडियो होगा या फिर कुछ उनकी तरफ से चीज आने वाला है जिसमें वो हेटर्स लोग को रिप्लाई देने वाले, क्योंकि उसी को लेकर उन्होंने स्टोरी भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पर। तो आप लोगों को इस बात पे क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वही बात करेंगे स्काउट के बारे में। तो स्काउट की तरफ से शायद से कुछ आने वाला होगा, क्योंकि उसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाला था जब वो मेकअप कर रहे थे तभी का, लेकिन उसी को लेकर अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उनके तरफ से कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है या कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अभी बात करेंगे कैप्टन इंडिया के बारे में। तो कैप्टन इंडिया की तरफ से और एक एक्सपोज वीडियो है टेक्निकल गुरुजी को लेकर, जिसमें कैप्टन इंडिया ने वो वाली चीज के बारे में बात की थी। आप लोगों को पता है कि टेक्निकल गुरुजी ने जो वीडियो डाला था सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का, जो उन्होंने महाराजा स्टाइल में अनबॉक्सिंग किया था, वो वीडियो को जो उन्होंने कुछ टाइम में प्राइवेट कर दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए था। जो लोगों ने वो वीडियो देख लिया तो देख लिया, और जिन्होंने नहीं देखा तो नहीं देख पाए वो, क्योंकि वो प्राइवेट कर दिया था बाद में वो वीडियो। और फिर कैप्टन इंडिया ने जो और एक बात बोली, जिसमें ये बात है कि पबजी को लेके गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते टेक्निकल गुरुजी, हर वीडियो में जो वो पबजी को लेके न्यूज शेयर करते हैं लेकिन वो सच नहीं होता है। तो आप लोग भी देखिए कैप्टन इंडिया का रिसेंट वाले वीडियो का छोटा सा क्लिप। कुछ ज्यादा ही सस्ता हो गया है। और जो गुरुजी, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके लिए बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। आपने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, वो पूरी सैमसंग के ऊपर थी, एकदम हाई बजट वेल एडिटेड वेल शॉट वीडियो, वो आपने डिलीट क्यों कर दी? वीडियो को देखने पे क्लियरली पता चल रहा था कि वो पूरा सेट और पूरी एडिटिंग सैमसंग टीम ने की है, और आपने इस वीडियो में उस डिवाइस की सिर्फ अच्छी बातें बताई। लेकिन पहले आप तो बड़ी चौड़ में दूसरे टेक चैनल्स को कॉल आउट करते थे जो पैसे लेके बायस वीडियोस बनाते थे। अब शायद 20 मिलियन आने को रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हो। वैसे चलो अच्छा हुआ कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, वरना वही तो मैं सोचूं कि कोई कितना चूतिया हो सकता है कि वो बिना पैसे के ये करे। मैंने 4 महीने पहले टेक्निकल गुरुजी पे वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने ये दिखाया था कि टेक्निकल गुरुजी कैसे फेक पेट्रियोटिज्म दिखा के इंडियन ऑडियंस से सिंपथी गेन कर रहा है, एंड कैसे टेक्निकल गुरुजी कोई भी नेशनल इशू को उठाकर उससे प्रॉफिट गेन करता है। जब चीजें काफी ज्यादा सेंसिटिव थी तब टेक्निकल गुरुजी ने ये क्लेम कर दिया था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन होने चाहिए एंड वो अब से अपने चैनल पे चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स को अवॉइड करेंगे। गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट्स को डिलीट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, चाइना की कान फट गई थी वीडियो देख के। एग्जैक्टली 2 महीने बाद टेक्निकल गुरुजी फिर से चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर। तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अभी बात करेंगे एलविश यादव के बारे में। तो आप लोगों को बता रहे एलविश यादव का जो वीडियो आया था ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार पार्ट 1 और पार्ट 2, अभी उसका पार्ट 3 भी शूट हो रहा है। कुछ भी अपडेट मिलता है मुझे उनके आने वाले वीडियो को लेकर तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अभी बात करें हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का जो कोई अकाउंट हैक करना चाहता था इंस्टाग्राम का, उसी को लेकर उन्होंने स्टोरी भी डाला। और आप लोगों को बता रहेगा इंस्टाग्राम पर जो अभी एक स्कैम चल रहा है, जो आप लोग एक वेरीफाइड अकाउंट मैसेज भेजेगा और ये लिखते हुए कि आपने कोई अपने अकाउंट में वायलेंस किया है, अगर नहीं किया या किया इस लिंक पे क्लिक करो कंफर्म करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए हर्ष बेनीवाल का स्टोरी। गाइज, अभी जैसे आपने देखा क्रिस्टी ने बहुत ट्राई किया कि वो मेरा अकाउंट हैक कर ले, और मैंने ही बहुत ट्राई किया कि वो मुझसे बात कर ले, बट दोनों ही पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्रिस्टी, अगर तुम ये देख रही हो तो क्रिस्टी प्लीज मेरा अकाउंट हैक करने की मत ट्राई कर, और अगली बार तूने मेरा अकाउंट हैक करने की ट्राई करी मैंने टट्टी कर देने मुंह पे, और इससे भी करा दूंगा। ये तो गोबर करता है मेरी, फिर भी टट्टी है, बाकी ले इसको खा ले। तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अभी बात करें ठगेश के बारे में। तो ठगेश का जो नया वीडियो आया था उस वीडियो में जो एक सीन है जिसमें उन्होंने ये बताया कि पांडे की पब्लिक करके एक यूट्यूब चैनल है, ऐसा रियली में नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि पांडे की पब्लिक करके एक यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी उस नाम से जो काफी सारे यूट्यूब चैनल बन चुके हैं उसी को लेकर ठगेश ने क्या रिएक्शन दिया अपने स्टोरी में, आप लोग भी देखिए। पांडे की पब्लिक। ओ भाई,
तो अभी चलते नेक्स्ट स्टोरी की तरह, अभी बात करें कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी जब एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो वहां पर वो काफी ज्यादा नाराज थे उस लाइव स्ट्रीमिंग में, क्यों? क्योंकि उनका जो सॉन्ग आया था वरदान, उसी को लेकर किसी ने एक्सपोज किया था उनको, उसी चीज के ऊपर कैरी मिनाटी ने क्या रिएक्शन दिया अपने लाइव स्ट्रीमिंग में, आप लोग भी देखिए। भाई यहाँ चूतिया भरे हैं ना, दिक्कत ये है, हम कुछ बोलते हैं उसका उल्टा सीधा घुमा के पैकेज कर देते हैं चूतिया पा। रैंचुद लिटरली अभी इसमें भी वीडियो में भी रैंचुद एक सीन है जब वो इंटरलूड नहीं आता बीच में, जब मैं कहता हूँ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रही सब बकचोदी, उसमें भी घुस गए भैंचो। मैं कहा भाई अब मैंने छोड़ी है, अब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ भाई, ऐसे तो मैंने किसी कोई और बच्चा तो दिखाया नहीं, मैंने अपने आप को ही दिखाया उसके अंदर, और मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। तो भाई अगर मैं अपने आप को भी जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल सकता तो तुम कितने बड़े चूतिया हो यार, कितने बड़े चूतिया हो, कमाल है। कि तू ये कह रहा है कि एग्जाम मत दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बट द पॉइंट इज तेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अपने ड्रीम्स फॉलो करो, अगर उसके लिए पढ़ाई छोड़नी भी पड़े, अब ड्रीम में पढ़ाई भी इंक्लूड हो। नहीं भाई मैं तो यही कह रहा था, मेरा तो मकसद ही यही था, पिछले 4 महीने से गांड क्यों घिस रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं कि पेपर मत दो, स्कूल छोड़ दो बहन चोद, कूद जाओ। इसलिए तो गांड घिसाई कर रहे हैं हम, यही तो चाहते हैं हम। बहन चोद गुस्सा दिलाती है चीजें, बहुत बुरी गुस्सा दिलाती है मुझे कि भोसड़ी के जो चीज कुछ है भी नहीं ना उसमें से भी तुम बकचोदी करोगे ना, तो मैं बता रहता हूं मैं आ जाता हूं फिर, मैं भी उस पर उतर जाता हूं मैं भी, ठीक है? फिर आग लगा देते हम पूरी लंका में, फिर बैठ जाना गांड मरा के अपनी। वो गुस्सा आता है मुझे कि मैं कह दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आई वुड से 90% मैं चीजें इग्नोर ही करता हूं और इग्नोर ही रखना चाहता हूं, ठीक है? मैं नहीं चाहता अपना मुंह खोलना। जितने बहनचोद लोगों के स्कैम वैम चल रहे हैं भाई, मेरे को किसी का घर बर्बाद नहीं करना है, सिंपल सी बात। सो आई होप गाइस आप लोग आज का वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आप लोग ऐसी डेली सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।